नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। और पढ़ाने से पहले मैं आपको दीपावली की ढेर सारी बधाइयाँ मैं आपको देना चाहूँगा। और जैसा कि आपको पता भी है कि इस समय कल धनतेरस थी, आज उसका दूसरा दिन है और कल मेन जो दिवाली है वो पर्व कल ही है। तो आप ढेर सारी खुशियाँ लेके आइए अपने जीवन में और क्या कहते हैं अच्छे से आप सेलिब्रेट करिए इस दिवाली को। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो आपको जैसा कि पता है कि हमारा सोशियोलॉजी का सेशन चल रहा है, सीरीज चल रही है। उसके क्रम में हम लोगों ने कई उत्तराधुनिक और उत्तर संरचनावादी विचारकों के बारे में पढ़ा पिछली वीडियो के अंतर्गत। और उसी क्रम में हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आता है जॉर्ज हैबरमास के बारे में, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जॉर्गन हैबरमास के बारे में हम पहले इनकी बायोग्राफी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने ऐसा किया था विचारकों के संदर्भ में, तो हम इनके बायोग्राफी में जानते हैं कि ये कहाँ के विचारक रहे हैं। तो ये विचारक हैं जर्मनी के हैं। एक दार्शनिक है, इन दर्शन पर बल दिया इसलिए दार्शनिक बन गए और दार्शनिक कहा जाता है। और सामाजिक यानी सोशल पर भी ध्यान दिया, यानी दर्शन और समाज दोनों पर ध्यान दिया और उस पर उन्होंने टीका टिप्पणी या जो भी व्याख्या किया, इसलिए इन्हें विचारक दार्शनिक और सामाजिक विचारक कहा जाने लगा। इनको सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पर लाइन आई है कि फ्रैंकफर्ट समुदाय संप्रदाय के अनुयायी। तो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के अनुयायी थे। अब फ्रैंकफर्ट समुदाय के बारे में थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं कि इस संप्रदाय का उद्भव कहाँ हुआ था, कब हुआ था और इसका मुख्य अध्ययन कार्य क्या है। तो पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1923 यानी 1923 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रमुख कौन है? मैक्स होर्कहाइमर हैं। और इसके साथ साथ इसका मुख्य अध्ययन कार्य क्षेत्र ये है कि यह मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित है, मार्क्सवादी चिंतन से बड़ा। और मैंने आपको देखो जगह नहीं बताई, जर्मनी, आप जर्मन के थे, जर्मनी में ही इसका उद्भव हुआ फ्रैंकफर्ट संप्रदाय का, राइट। तो इसका अध्ययन कार्य मुख्य क्या है? ये मार्क्सवादी चिंतन से तो प्रभावित था ही, इसके आधार पर या विश्व के बदलते हुए परिवेश का की व्याख्या करता है, यानी विश्व में क्या परिवर्तन हो रहा है और किसके कारण परिवर्तन यह हो रहा है, इसके बारे में ये मुख्य कार्य इसका होता है अध्ययन कार्य, इसके बारे में अध्ययन करना इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है इनसे संबंधित, ये जीवन जगत की अवधारणा का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको पता है जीवन जगत की बात कौन पहले करता है, तो आप बोलोगे हर्शल और इसके बाद अल्फ्रेड सुर्ज ने किया था जीवन जगत और सामाजिक जगत। उसी क्रम में हमारे जो सुर्ज महोदय जी हैं, हमारे जो जॉर्गन हैबरमास जी हैं, उन्होंने भी जीवन जगत की बात की है। आप ये बिल्कुल मैं आपको एक क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आपको ये सचेत करना चाहूँगा कि आप जीवन जगत को अगर आप पॉइंट आउट करके अगर आप क्वेश्चन पेपर जाके सॉल्व करते हो, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे आए हैं, आप देखिएगा क्वेश्चन पेपर उठा के, कई क्वेश्चंस ऐसे आए हैं कि अल्फ्रेड सुर्ज के लिए तो ऑलरेडी हम यूज़ करते ही हैं जीवन जगत या समाज जगत, बट जॉर्गन हैबरमास के भी स्टेटमेंट में जीवन जगत की का वर्ड विश्लेषण या इसका आता है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब क्या डिफरेंसेस है वो आप पढ़ने पर ही पता चलेगा क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। अभी आगे हम देखते हैं अगर आएगा तो नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के, देखिए मैं जीवन जगत की अवधारणा का प्रयोग मूल रूप में अगर कहा जाए तो कौन पहले किया था? हर्शल किए थे और उनके शिष्य कौन थे? सुर्ज, इन्होंने जीवन जगत की अवधारणा का प्रयोग किया था और उसके बाद फिर हैबरमास। अब बात आती है, देखिए मैं इसको आगे बताने से पहले मैं आपको फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से भी संबंधित क्वेश्चंस बता देना चाह रहा हूँ कि इससे संबंधित भी क्वेश्चंस आपके एनटीएनएट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आया हुआ है, उसमें इसके टाइप ऐसे पूछे गए हैं। आप 2016 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, उसमें पूछा गया था कि कौन कौन से फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के अनुयायी हैं, ऐसे करके पूछा गया था और उसमें कूट करके दे दिया था ABCD जो भी करके ऐसे दिया था, आप देख लीजिएगा अच्छे से वहाँ पे दिया था। खैर वो तो डिलीट कर दिया गया था, लेकिन आप अगर ऑप्शनिंग करके अपने आप से अगर सॉल्व करना चाहेंगे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन की विदाउट ऑप्शन में था ही नहीं उनका जो ऑप्शन था, जितने लोग थे ऑप्शन में था नहीं तो उसको डिलीट कर दिया था एनटीएनएट ने,
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। या ऐसे पूछ सकता है कि फ्रैंकफर्ट संप्रदाय का अनुयायी कौन नहीं है, तो तीन दे दिया और चौथा आपको नहीं रहेंगे उसके, तो आपको लगाना होगा उसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय की, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के ऑन और कौन से अनुयायी हैं, एक दो का देखो मुझे पता है, लुकाक्स हो गए, होयखाइमर हो गए, ये सब सारी चीज़ें ये हैं, और जॉर्ज ये हैबरमास की मैंने आपको बता ही दिया बात। ठीक है, तो ये थे, और कुछ है तो आप उसको देख लीजिए और कहीं फैक्ट उसको लिखा है। आगे चलिए हम चलते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है इनसे संबंधित, ये आलोचनावादी विचारक इन्हें कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन्हें आलोचनात्मक। जैसे आप देखते हो कि आलोचना के लिए, जैसे आपने देखा होगा वहाँ पे प्रकाश संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, मैं याद दिलाना चाहूँगा, जैसे आपने देखा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम में आलोचना करने वाले जो विचारक हैं वो कौन है उसका, तो मर्टन है। वो कहते हैं कि हमेशा समाज में प्रकार ही नहीं होता है, उसके कुछ पहलू में दुष्प्रकार भी होता है। ये जिस तरह समझा है उसी प्रकार हमारे जो उत्तर आधुनिकतावादी सामाजिक विचारकों में हैं, ये जो रूढ़िगत जो भी विचारक हैं इनसे संबंधित, या जो इनके विचारों से जो थोड़ा ऊपर करके जो थोड़ा बात किया है, जैसे आप जॉर्ज हैबरमास ने मार्क्सवाद का विरोध किया, या और बेबर की अवधारणाओं का विरोध किया, इस प्रकार इन्होंने इन सब सारी अवधारणाओं को विरोध किया था, इनका नाम ही पड़ गया कि ये क्रिटिकल यानी आलोचनावादी विचारक कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं, आप चलिए हम डिटेल और पढ़ लेते हैं कि किन किन का इन्होंने आलोचना की है जो महत्वपूर्ण थे, उनका मैंने नाम लिख दिया है। विभिन्न विचारकों इनको एवं उनके विचारों की आलोचना इन्होंने की थी, इसीलिए इन्हें आलोचनावादी विचारक कहा जाता है। एक स्टेटमेंट में फिर से सुन लीजिए, आलोचनावादी विचारक उसे कहा गया है जिसके वो विचारक जिन्होंने विभिन्न विचारकों उनके विचारों की आलोचना की है। जैसे एग्जांपल है मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद की इन्होंने आलोचना की, किस संदर्भ में किया, इन्होंने कहा कि मार्क्स इन्होंने कहा कि समाज में परिवर्तन जो है वो आर्थिक आधार पर नहीं हो, आर्थिक उत्पादन के द्वारा ही नहीं होगा, बल्कि सामाजिक राजनीतिक, और भी इन्होंने एक स्टेप कुछ लिया है, कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये राजनीतिक आर्थिक और एक था अर्थव्यवस्था सामाजिक राजनीतिक, हाँ आर्थिक सामाजिक राजनीतिक ऐसे करके इन्होंने दिया है, तो आप ऐसे समझ जाने रखिएगा। तो इन्होंने तीनों का स्टेप नाम लिया है, आर्थिक निर्धारण सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि तीन आधार और इन्होंने बता दिया, दो तीन, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये क्या कहते हैं हैबरमास, उसके अलावा मार्क्स ने पार्शंस ने मैं आपको देखिए मैं अल्थोजर का मैंने आपको बता दिया है, अल्थोजर का ऑलरेडी पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, उनका जो विभाजन है तीन स्तरों में आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जो विभाजन है ये पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, और जुलाई 2018 में पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया था, और पिछले वाले में भी पूछा गया था, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिए वो अल्थोजर का है। यहाँ पर हैबरमास का इन्होंने पूंजीवाद के चार स्वरूप बताए थे, आप देखिए मैं काउंट करा दे रहा हूँ, यहाँ पे काउंट कराने के लिए आपको देखो यहाँ पे ध्यान रखना होगा, कुछ ऐसे संगठन पूंजीवाद करके हैं, संगठन पूंजीवाद करने के साथ साथ और क्या कहते हैं उदार पूंजीवाद है, उदार पूंजीवाद के बाद एक और है ऐसे करके है, और क्या नाम एक सेकंड मैं आपको देखिए मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको जब पूंजीवाद वाला इसके बुक के अंतर्गत जब मैं समझाऊंगा तो वहाँ पर मैं चारों नाम आपको बोल दूंगा, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं कोई नोट वोट लेके ऐसे नहीं बैठता हूँ, जो भी होता है मेरे माइंड में होता है, और जो यहाँ पे बुक में थोड़ा बहुत लिखा है वही चीज़ होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से देख के बताऊँ आपको, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ऐसा नहीं करता कहीं से देख के बोलूँ, ठीक है, तो वो बता भी नहीं पाऊँगा इस तरह, तो ध्यान रखिए। तो मैं जब भी बुक के अंतर्गत अभी आएगा बीच में पूंजीवाद के बारे में, तो वहाँ मैं आपको चारों टाइप इसके बता दूंगा कि पूंजीवाद के चार प्रकार इन्होंने कौन कौन से बताए। ठीक है, और पिछले साल भी पूछा गया था क्वेश्चन इससे संबंधित, पूंजीवाद के चारों प्रकार जो बताया है हैबरमास ने, तो चलिए। और उसके अलावा इन्होंने पार्शंस के प्रणाली सिद्धांत की भी इन्होंने आलोचना की है, किसने, हैबरमास ने। नेक्स्ट इनके बुक का नाम है अध्ययन कार्य का, इनके अध्ययन कार्य का प्रमुख क्षेत्र क्या रहा है, मतलब इनका अध्ययन कार्य किस क्षेत्र में ज़्यादा रहा है, रुचि इनकी क्या रही है अध्ययन कार्य का, ये हम देख लेते हैं। इन्होंने सामान्य समाज के संदर्भ में भी इन्होंने अध्ययन किया, इसके अलावा इन्होंने पूंजीवाद के संदर्भ में ज्ञान की क्या भूमिका होती है, देखो पूंजीवाद को ज्ञान से इन्होंने ऐड कर दिया, ये ध्यान रखिएगा।
इन्होंने बताया कि पूंजीवाद के संदर्भ में ज्ञान की क्या भूमिका हो सकती, इसके संदर्भ में इनका अध्ययन कार्य था। इसके अलावा इनकी महत्वपूर्ण, तो ये हो गई बायोग्राफी और इससे संबंधित अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण बुकों के नाम हम देख लेते हैं। यहाँ पे इनकी बुक देखो, फर्स्ट है द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फेयर। मैंने क्या कहा, द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फेयर, ये एक बुक थी। यानी संरचनात्मक रूपांतरण किसका, सार्वजनिक क्षेत्र का संरचनात्मक रूपांतरण, ये चीज़ है इसकी हिंदी। मैं आगे अभी बताऊंगा बुक का नाम, तो वहाँ पे मैं लिखता हूँ, उसके लिए घबराइए मत। इंग्लिश में लिखा है तो आप उसके लिए वो करें, पैनिक हो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नेक्स्ट है इनकी बुक का नाम लेगिटिमेशन क्राइसिस, यानी तार्किकता का वैधीकरण का संकट, ये नाम है। उसके बाद नेक्स्ट बुक का नाम है दी थियरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शंस, यानी संचारात्मक क्रिया का सिद्धांत, ये था। नेक्स्ट है पोस्ट मेटाफिजिकल थिंकिंग, नेक्स्ट है उत्तर आधुनिकतावादी जो विचार है, ये चीज दी फिलोसफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी, फिलोसफिकल यानी मॉडर्निटी पर इनका जो दार्शनिक जो विमर्श था, जो विचार था, वो इन्होंने इसमें अध्ययन किया है। तो चलिए अब ये बुकें इंपॉर्टेंट थी और इससे संबंधित कुछ बुकों का नाम पढ़ते हैं और उसमें उन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन दिया है उसके बारे में हम जानेंगे। मैं ऐसा आशा कर सकता हूँ कि आज मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही होगी, काफ़ी क्लियर, तबीयत सही हो गई है, तो हाँ आप दिक्कत नहीं हो रही होगी सुनने में। नेक्स्ट है द फिलोसफिकल तो पहली बुक का नाम देखिए, हम डिस्क्रिप्शन पहले हम बुक का नाम देंगे, मॉडर्निटी के बारे में इनका जो डिस्कोर्स था उसके बारे में हम जानेंगे, दार्शनिक जो डिस्कोर्स है यानी आधुनिकता की दार्शनिक जो इन्होंने व्याख्या की वो क्या किया ये देखते हैं। देखिए इसमें इन्होंने, इसके अंतर्गत इन्होंने आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता और विज्ञान और तार्किकता से होने वाले जो समाज पर नकारात्मक प्रभाव थे उनका इन्होंने अच्छे से विश्लेषण किया और फिर उनका मेंशन किया इस बुक के अंतर्गत, उनसे एक बुक लिख दिया द फिलोसफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी। मैंने कहा इसके अंतर्गत आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता और विज्ञान और तार्किकता की आलोचना की है और किस संदर्भ में, इसका प्रभाव नकारात्मक समाज पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है समाज पर, ये इन्होंने इसके अंतर्गत समझाया है। अब क्या समझाया है देखिए, अब कुछ क्या क्या टिप्पणियां की है उसके संदर्भ में, विज्ञान और तार्किकता के संदर्भ में। तो इन्होंने कहा है, पहले इन्होंने कहा है कि विज्ञान व तार्किकता जो है वो आधुनिक पूंजीवादी युग में मानवीय जीवन में गुणात्मक विकास करने के स्थान पर उनके विनाश का कारण बने हुए हैं और मुख्यतः उनके सांस्कृतिक जीवन को ज्यादा प्रभावित किए हुए हैं। कौन, विज्ञान और तार्किकता। हैबरमास ने कहा है इनके अनुसार विज्ञान व तार्किकता आधुनिक पूंजीवादी युग में मानवीय जीवन में गुणात्मक विकास करने के स्थान पर उनके विनाश का कारण बना हुआ है। कौन, विज्ञान और तार्किकता। नेक्स्ट इन्होंने और क्या कहा है, और मुख्यतः सांस्कृतिक क्षेत्र जीवन को ज्यादा प्रभावित किया है। नेक्स्ट इनकी बुक का नाम, नेक्स्ट इनका पॉइंट आता है, इनका मानना था कि मानव के उद्धार के लिए तार्किकता की पुनर्स्थापना आवश्यक है। इनका मानना था कि अगर मानव का उद्धार करना है तो जो आज वर्तमान में तार्किकता है उसके स्थान पर दूसरी तार्किकता को लाना जरूरी है या आवश्यक है समाज के लिए, ये इन्होंने बताया। और नेक्स्ट पॉइंट फिर इन्होंने क्या बताया, इन्होंने तार्किकता पर आधारित नौकरशाही और राजतंत्र की आलोचना की। और वहीं पर अगर आप देखोगे तो बेबर जैसे जिन्होंने नौकरशाही अवधारणा दी, नौकरशाही की अवधारणा दी, और वहाँ पर वो समाज के लिए लाभकारी माना। लाभकारी क्यों माना, क्योंकि उन्होंने प्रजातांत्रिक माना था, क्योंकि योग्यता पर आधारित होता था, निश्चित होता था, औपचारिक होता था, इसके आधार पर वो उसके समाज के लिए आवश्यक मानते थे और लाभकारी मानते थे। जबकि यहीं हैबरमास क्या करते हैं, कहते हैं कि ये तार्किकता पर आधारित है नौकरशाही और राजतंत्र, और फिर इसकी आलोचना की कि ये कैसी आलोचना, किस प्रकार आलोचना की, इन्होंने कहा, इनका कहना था कि मानव की स्वतंत्रता का क्या करता है, हनन करता है। कौन,
नौकरशाही या राजतंत्र, जो हमारे यहाँ राजतंत्र है एरिस्टोक्रेसी, राइट, राजतंत्र यहाँ पे आशय है एरिस्टोक्रेसी, और ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही, नौकरों का साथ बिरस्त है। इन नौकरशाह मैं आपको, देखिए मैं तो मैक्स वेबर के बारे में बनाया नहीं हूँ, लेकिन नौकरशाह को मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये नौकरों के शासन की व्यवस्था होती है। अब आपको डीपली थोड़ा और समझना है तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि ये औपचारिक संबंधों पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जो भी योग्यता, जो भी नियुक्ति, जो भी वेतन वेतन कार्य प्रणाली, सारी चीज़ें क्या होती हैं, पूर्णतया निश्चित होती हैं, और निश्चित रूप में उस कार्य प्रणाली का संचालन होता है, उस व्यवस्था का संचालन होता है। ये होता है नौकरशाही, यानी नौकरों के द्वारा शासन, सार्वजनिक नौकरों के द्वारा किया जाने वाला शासन, ये होता है नौकरशाह। राजतंत्र यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में क्या होना, तंत्र 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 का तंत्र की शक्ति होना, यानी तंत्र पर नियंत्रण होना, लोगों पर नियंत्रण होना किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास, ये होता है एरिस्टोक्रेटिक ऑर्डर, यानी दोनों शासन करने की प्रणालियां होती हैं। एक लाइन में बस आप समझिए यहाँ पे। नेक्स्ट है, तो आपको मैंने बता ही दिया कि इन्होंने किस तरह इनकी आलोचना की, तो इन्होंने कहा कि मानव स्वतंत्रता क्या होता है, इससे हनन होता है। नेक्स्ट नोट हम कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। इन्हें देखो आलोचनावादी विचारक मूलतः अगर पूछा जाएगा आपसे तो आप बोलोगे जॉर्ज लुकाक्स को कहा जाता है। वैसे तो आलोचनावादी विचारक इनके लिए नाम यूज ही किया रहा है, लेकिन ज्यादा पॉपुलर लुकाक्स जी नहीं है। लेकिन अगर मूलतः आपसे पूछा जाता है कि आलोचनावादी विचारक कौन होंगे मूलतः, तो कौन है, जॉर्ज लुकाक्स। उसके अलावा देखो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि इन्होंने नौकरशाही की व्यवस्था की अवधारणा की आलोचना की थी, किसके, बेबर के नौकरशाही की अवधारणा की। नेक्स्ट, आई होप आपको इस वीडियो, इस बुक का डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। और फिर नेक्स्ट बुक आती है इनसे संबंधित, वो है लिगिटिमेशन क्राइसिस, वैधकरण का संकट। इसमें क्या बताया, इन्होंने कहा कि आज समाज में जो वैधता है वो क्या है, संकट के घेरे में है। इस तरह इन्होंने डिस्क्रिप्शन इस बुक के अंतर्गत बताया। चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। इन्होंने बताया कि आधुनिक पूंजीवादी समाज में वैधता, इन्होंने आधुनिक पूंजीवादी समाज के संदर्भ में वैधता की समस्या का क्या क्या है, सूक्ष्म एवं गहन विश्लेषण किया है। ध्यान सुन लीजिए, ये सिर्फ आधुनिक पूंजीवादी समाज के संदर्भ में इन्होंने किया है ऐसा, कि वैधता की समस्या है, यानी वैधता का संकट है। अब क्या बताया इसके अंतर्गत, इन्होंने कहा है कि समाज में व्यक्ति के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की वैधता को चुनौती दे रही है, यानी समाज में व्यक्ति के सामाजिक राजनीतिक जीवन को की वैधता को क्या दिया जा रहा है, ये आधुनिक पूंजीवादी समाज में जब व्यक्ति के सामाजिक राजनीतिक जीवन को जब की वैधता को जब चुनौती दी जा रही होती है, तो वो क्या होती है, वैधता की का संकट कहा जाता है। और क्या को बताया, फिर आगे देख लेते हैं। हैवरमास के अनुसार आधुनिक पूंजीवादी में राज्य का हस्तक्षेप विरोधी आवश्यकताओं को संतुलित करने में अक्षम है, यानी इन्होंने बताया कि वर्तमान में, यानी जो आधुनिक पूंजीवादी समाज में, इसमें क्या है, जो राज्य रूपी जो शासन शासन तंत्र की जो साधन शासन शासन करने का जो साधन है, एजेंसी है, वो क्या साधन का मीन्स एजेंसी नहीं होता, साधन का मतलब होता है ये क्या कहते हैं मीन होता है, तो ध्यान रखिए, तो साधन साधन जो है वो उसका 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 जो क्रियाकलाप है, जो नियंत्रण करने की कार्यप्रणाली है, वो क्या है, असंतुलित है, मतलब कि वो असंतुलित नहीं, आप बोल सकते हो कि वो काम नहीं कर पा रहा है, मतलब उसका हस्तक्षेप जो होता है लोगों पर नियंत्रण बनाए रखना, वो नियंत्रण बनाए रख नहीं पा रहा है, इस प्रकार एक प्रकार से उसके वैधीकरण पर क्या है, समस्या उत्पन्न हो गई है। क्या, जो विरोधी आवश्यकताएं हैं उनको संतुलित करने में वो अक्षम रहा है, कौन, राज्य रूपी शासन का साधन जो है आधुनिक पूंजीवादी समाज में, वो लोगों पर नियंत्रण बनाए रखने में क्या है, असमर्थ है, आप ही बोल सकते हो। इन्होंने कहा कि आधुनिक समाज की जो विज्ञान आधारित नई मानसिक विचारधाराओं ने इसके आधार पर और भी समझाया, इन्होंने आधुनिक समाज और रूढ़िगत समाज के संदर्भ में भी तुलनात्मक अध्ययन किया, और इसके आधार पर बताया कि आधुनिक समाज की जो विज्ञान आधारित नई मानसिक विचारधाराओं ने,
और वो कहाँ उत्पन्न हुई है, आधुनिक पूंजीवादी समाज में। इन्होंने परंपरागत रूढ़िगत समाज को चोट पहुंचाने का काम किया है। यानी आज का जो है, जैसे आपने बोलते हो एक एग्जांपल थ्रू अगर आप समझ लो कि आज आधुनिक संदर्भ में क्या है, आप लोगों के अंदर शिक्षा का स्तर क्या है, बढ़ गया है, तकनीकी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास संचार का माध्यम, संचार के साधन होने की वजह से संचारित चीज़ें आसानी से पहुंच जा रही हैं। इस तरह लोगों के अंदर क्या है, अवेयरनेस है चीज़ों को लेके, और जो भी कर्मकांड या क्रियाएं की जा रही उनके प्रति लोगों का क्या है, क्या कहते हैं, एक प्रकार से आप कह सकते हो लोगों में जागरूकता है। तो इस आधार पर वो क्या करेंगे, जो रूढ़ी आधारित, एक एग्जांपल ले लीजिए धर्म को जो रूढ़ी आधारित चली आ रही परंपराएं, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है, लेकिन उस पर लोगों का क्या हो रहा है, संदेह व्यक्त हो रहा है, उन लोगों का संदेह उत्पन्न हो रहा है उस पर, धर्म पर, धर्म आधारित जो व्यवस्था है उस पर क्या हो रहा है, लोगों का क्या हो रहा है, संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार रूढ़िगत सामाजिक जो जो भी है, रूढ़िगत जो समाज है उसके बारे में, उसको क्या है, चोट पहुंचाने का काम कर रहा है। जो हमारे ना जो आज वर्तमान में नई मानसिक जो विचारधाराएं हैं वो चोट पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो इस प्रकार क्या है, जो वैधता है उस वो संकट के घेरे में है, यानी उसके सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं आज आधुनिक पूंजीवादी समाज में। इस प्रकार इन्होंने डिस्क्रिप्शंस इस बुक के अंतर्गत दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको यहीं पे एंड करना चाहूँगा, और आप प्लीज़, आप लोग ये सब ये वीडियो में देखो, मैंने 20 मिनट 21 मिनट का है, तो ज़्यादा बड़ा ना हो, आप लोग थोड़ा बोर होते हो पढ़ते समय भी, आप पूरा टाइम देखते भी नहीं हो और आधे पे ही छोड़ के चले जाते हो। तो प्लीज़ आप लोग एक बार नहीं, कम से कम इस वीडियो को कम से कम एक एक दो एक से ज़्यादा बार देखिए, कम से कम 3 बार देखिए, और ये स्पीड पे डिपेंड करके करिए। पहले शुरुआत में आप थोड़ा स्लो करके सुनिए, उसके बाद फिर स्पीड तेज करिए, और लास्ट में क्या करिए, जब 3rd बार आपको हो तो उसको बहुत स्पीड में करके आप पूरा रिवीजन कर जाइए। इस तरह जब आप बार बार एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे, तब आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत क्लियर होगा और दिमाग में बिल्कुल क्या जाए हो जाएगा, बैठ जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ये आप जरूर करके देखिएगा, और जो भी पीछे वीडियो है वो सब भी आप डिस्क्रिप्शंस बार बार रिविजन्स आपके जो होते हैं हफ्ते महीने हफ्ते दो दो हफ्ते पे आप उसको रिविजन भी करते रहिए। तो चलिए हम इन्हीं की बुक, और कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहूँगा कि इनकी जो बुकें हैं वो आप टोटली अच्छे से रटे रहिए। बुकों के अंदर जो डिस्क्रिप्शंस है वो तो मैं आपको समझाई दे रहा हूँ, लेकिन बुकों का नाम, इनके बारे में क्या और क्या वर्ड यूज़ किया था, ये सब सारी चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से रटे रहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इनकी सेकंड पार्ट के फॉर्म में। हैबरमास अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हैबरमास की भी 2-3 बुकें बची हुई हैं, उनके बारे हम डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। तो हम तो प्लीज़ आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ढेर सारे लोगों को, और सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको 1-to-1 भेजे जैसे में अपलोड किया जाएगा, तुरंत आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए करेगी। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो।